सोफ़ा कवर बनाने के लिए सबसे पहले मेज़रमेंट चाहिए होता है, जिसके लिए हमें अपने सोफ़े से डायरेक्ट मेज़रमेंट ले सकते हैं। सो कोई भी पुराने कवर से हम ले सकते हैं, या फिर हम फैब्रिक को डायरेक्ट सोफ़े पर रखकर अपना मेज़रमेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक साड़ी ली है जो कि जॉर्जेट की, और एक प्लेन येलो कलर का फैब्रिक मैंने यहाँ पर लिया है जो कि मिक्स मैच करता हुआ है। तो सबसे पहले हमने जो हमारे सोफ़े की लंबाई चौड़ाई आई है वो हमने मैंने जो ये प्लेन वाला फैब्रिक है वो मैंने ले लिया। ये जो प्लेन वाला फैब्रिक है ये मैंने चौड़ाई में ज़्यादा रखा है। साथ में मैंने 20 इंच के दो पार्ट्स में साड़ी के फैब्रिक को कट कर लिया है, जिसकी चौड़ाई 20 इंच है और जो लंबाई है वो जो सोफ़े की हमारी आई है वो लंबाई है। इसके नीचे मैंने लाइनिंग का कपड़ा यूज़ किया है जो कि मैच करता हुआ नहीं था, तो मैंने वाइट कलर का ही फैब्रिक ले लिया है। लाइनिंग हम कैसे लगाते हैं, हम सारी तरफ से सिल लेते हैं, सिर्फ 10 इंच या 8 to 10 इंच के करीब हमें कपड़ा रखना होता है, जहां हम स्टिच नहीं करते वहीं से हम उसको रिवर्स कर निकाल लेते हैं। तो यहां पर मैंने दो पार्ट्स ऐसे ही सेम तरीके से रेडी कर लिए। तो आप देख सकते हो कि दोनों पार्ट्स को मैंने जो साड़ी वाला फैब्रिक था उनको मैंने साइड में लगाया है और प्लेन वाले फैब्रिक को मैंने सेंटर में यूज़ किया है। तो इसके बाद मैंने क्या किया, जो साड़ी का बचा हुआ फैब्रिक था उसमें से मैंने 5 इंच के करीब चौड़ाई की एक स्ट्रिप कट की है। ये स्ट्रिप कट की है क्योंकि इससे हम बनाएंगे फ्रिल। तो जो येलो कलर का जो हमारा फैब्रिक है प्लेन, उसमें हम पहले दोनों कॉर्नर पे जो दोनों दोनों साइड है दोनों साइड पे हम फ्रिल अटैच कर लेंगे। ये फ्रिल हमें पूरे एंड तक अटैच करनी है। जितनी लंबाई का हमने फैब्रिक लिया है येलो कलर का, उतनी ही लंबाई में हमें ये फ्रिल अटैच करनी है दोनों साइड। जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से हमने फ्रिल को अटैच कर लिया है यहाँ पर। अब क्या करना है देखिए, जो बाकी का फैब्रिक था जो साड़ी वाला फैब्रिक था वो हमें इसके ऊपर रखना है और इसको हमें सिल लेना है, फिर हम इसको सीधा कर लेंगे। फिर से देख लीजिए, हमें फ्रिल वाले फैब्रिक के ऊपर इसको रखना है, ऐसे दोनों जॉइंट को मिलाना है और इसको सिल देना है। फ्रिल वाले फैब्रिक को और जो साड़ी वाला फैब्रिक था उसको हमने दोनों कॉर्नर को रखकर आपस में मिला लिया है, तो इस टाइप से ही मिल गया है। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। तो ये एक हमारा बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइनर सोफ़े का कवर बन गया है। हालांकि मैं सोफ़े के कवर्स में काफ़ी तरह के कवर्स बनाती रहती हूँ, तो ये डिज़ाइन भी मैंने सोचा था। नीचे की तरफ भी मैंने फ्रिल लगा दी है, तो एक ये बहुत ही प्यारा सा हमारा सोफ़े का कवर बनकर रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, ये वाली वीडियो वैसे तो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, बट वो मैंने फास्ट मोशन में अपलोड की थी, तो मेरी सभी वीडियो जो मैंने फास्ट मोशन में डाली है उनका स्लो मोशन चैनल पर ऑलरेडी है, इसका नहीं था, दैट्स वाई मैंने ये वीडियो अपलोड की है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।